अपने जो मैटर जो टॉपिक चल रहा था मैटर को अपने एक्सप्लेन किया था मैटर क्या चीज़ है। इसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक आया नेक्स्ट टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को अगर अपने करें तो जो मैटर को अगर मैं यहाँ पर क्लासीफाई करता हूँ तो बेसिकली जो मैटर है उसको आप दो क्लास में डिवाइड कर सकते हो। वो दो क्लास कौन कौन सी है इसकी? फर्स्ट जो इसकी क्लास बनती है वो हमारे पास बनती है इसकी प्योर सब्सटेंस, और सेकंड जो क्लास इसकी बनती है वो बनती है अपने पास मिक्सचर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर मैटर की दो क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास जो अपने पास रहती है वो क्लास हमारे पास रहती है प्योर सब्सटेंसेस, और सेकंड जो क्लास है हमारे पास मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है इस प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर अपने फिर दो क्लास में डिवाइड कर देते हैं। वो दो क्लास हमारे पास कौन कौन सी हो जाती है? फर्स्ट हो जाती है एलिमेंट्स, और सेकंड जो इसमें आ जाती है क्लास वो आ जाती है कंपाउंड। ठीक है, आप ये सारा कुछ नाइन्थ क्लास में स्टडी कर चुके हो तो नाइन्थ क्लास वाला ही अपने पास है, कोई ज़्यादा नया नहीं है टॉपिक, तो उन्हीं को रिवाइज किया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आने वाले दो या जो तीन लेक्चर अपने जो रहेंगे वो सारे सारे नाइन्थ क्लास पर ही बेस्ड है। ठीक है, उसी को ही आगे लेकर चला गया है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने क्या 11th क्लास के कोई नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी अपने पास वही है, अगर आप बुक को भी अगर देखोगे तो बुक में भी आप देखने को मिलेगा जो 11th क्लास में जो 9th के जो टॉपिक थे उन्हीं को ही आगे डिस्कस किया गया है। इसी तरह से मिक्सचर की अगर हमने बात करें तो मिक्सचर के भी दो टाइप अपने यहाँ पर बता सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप बनता है हमारे पास वो बनता है होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकेंड जो इसका जो टाइप बनता है वो बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो ये हमारे पास बेसिकली अपने कह सकते हैं कि फ्लो डायग्राम के फॉर्म में अपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, क्लासिफाई किया है मैटर को। मैटर की जो क्लास अपने बताई है प्योर सब्सटेंसेस, और सेकंड जो अपने पास मिक्सचर आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद में एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस को दो क्लास में अपने डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स और कंपाउंड में। इस तरह से जो मिक्सचर है मिक्सचर को भी अपने दो क्लास में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इनको एक एक जो वर्ड है इसको अपने डिटेल में देखते हैं कि अपने को जो मैटर है मैटर का जो अपने मीनिंग पता है कि मैटर क्या चीज़ है। अब इसके अंदर अपने देखते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है एक्चुअल में ये प्योर सब्सटेंसेस अपने पास क्या चीज़ है, फिर इसको जो अपने क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में उनको अपने देखते हैं। तो इसमें अपने जो फर्स्ट जो टॉपिक था मैटर का जो क्लासिफाई किया था उसमें जो फर्स्ट हमारे पास था मैटर जो सब्सटेंस था प्योर सब्सटेंस। एक्चुअल में जो प्योर सब्सटेंस है उसको अगर हम डिफाइन करें तो उसमें जो डेफिनेशन अपने पास आती है व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स सेम केमिकल नेचर के अगर अपने पास हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो उसको अपने क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो सेम केमिकल इन नेचर अपने क्या बोल सकते हैं, या अपने बोल सकते हैं इसको अपने कह सकते हैं उनका जो कंपोजिशन रहता है तो अपने कह सकते हैं फिक्स कंपोजिशन वाला अगर कोई सब्सटेंस है तो फिक्स कंपोजिशन वाले सब्सटेंस को अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस सेक्शन में नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी अपने पास एलिमेंट्स अपने पास जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ऑरम है, तो कॉपर की अगर अपने वायर ली जाए तो कॉपर की वायर अगर प्योर कॉपर है तो उस किस कैटेगरी में आएगा? प्योर जब आ जाता है, प्योर वर्ड जब आ जाता है तो उसको अपने क्या बोला जाएगा? सब्सटेंस बोला जाएगा। कॉपर में किसी टाइप की मिक्स नहीं। फॉर एग्जांपल अपने ज्वेलरी की बात करते हैं तो ज्वेलरी में क्या हो गया कि ज्वेलरी गोल्ड की अगर ज्वेलरी है तो गोल्ड की ज्वेलरी में अपने कॉपर को मिक्स कर दिया गया तो वहां दो मेटल्स को क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया तो वो प्योर नहीं रहा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर बात किसकी करनी है? प्योर की बात करनी है तो प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्योर वाटर भी हो सकता है। अब कहोगे जी वाटर कैसे हो सकता है? वाटर का तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? तो वाटर का तो आप फॉर्मूला कहते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या? H2O है। ठीक है, लेकिन वाटर क्या है? प्योर है। H2O एक फिक्स्ड कंपोजिशन का है कि अपने कहते हैं वाटर, वाटर का एक कंपोजिशन फिक्स है H2O। इसके बायमास कंपोजिशन देखते हैं तो 1:8 के अंदर रहता है अपने पास। ठीक है, इस तरह से ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला जी अपने पास क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर भी इसका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन कैसा देखने को मिलता है? एक फिक्स कंपोजिशन अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो 1:2:1 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन का जब अपने पास फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो उसको अपने यहाँ पर नाम क्या दिया जाता है? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस की
अपने पास यहाँ पर दो कैटेगरी आ जाती है। फर्स्ट जो कैटेगरी से अपने पास आती है वो अपने पास है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या है, तो एलिमेंट्स को अपने डिफाइन किया गया इसी प्योर सब्सटेंस के अंदर, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट अपने पास एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स इज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर आपने कह दिया कि जिसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको अपने क्या नाम दिया जाएगा, प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। अब अपने यहाँ पर सॉरी एलिमेंट्स कहा जाएगा। इस प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल ये हैं, ठीक है, ये फाइव एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इसके प्योर सब्सटेंस के फाइव एग्जांपल लिखे हैं। अब उनमें से मैं कहता हूं आपको कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स कौन से होंगे जहां पर अपने ये जो वर्ड आया ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा हमारे पास, एलिमेंट्स होगा। तो अपने देखते हैं यहाँ पर वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वाटर में दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, एक पार्टिकल हाइड्रोजन है और सेकंड कौन सा ऑक्सीजन है। इट मीन्स अपने कह सकते हैं कि जो वाटर है वो वाटर एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा। इसी तरह से ग्लूकोज की बात कर सकते हैं, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज भी एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा। एलिमेंट में सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, एटम के फॉर्म में हो सकते हैं या वो किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर होगी चीज अपने को। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म है, सोडियम एटॉमिक फॉर्म है, नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म है, कॉपर एटॉमिक फॉर्म है और सिल्वर एक एटॉमिक फॉर्म है। तो एटॉमिक फॉर्म अपने पास सारे किसमें हो जाएंगे, एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सेकंड थिंग मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में अपने पास देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स सारे किस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हमने सारे के सारे एलिमेंट्स की कैटेगरी अपने यहाँ पर क्लासिफाई की कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअल में आपने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास या तो एटॉमिक फॉर्म में हो सकते हैं या एलिमेंट अपने किस फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपने क्या नाम दिया जाता है, एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर होगी चीज अपने को। अब अपने पास यहाँ पर क्या है कि आपको इसमें जो वर्ड आता है अपने पास वो क्या आता है, एटोमिसिटी। ये वर्ड सुनने को अपने मिलता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी एक्चुअल में क्या होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं वो उस मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, एटोमिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, टू हैं, तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो एटोमिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, टू, इसकी एटोमिसिटी भी कितनी होगी, टू। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एटोमिसिटी कितनी होगी आपके पास, टू। इसी तरह से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ P4, तो P4 मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोरस की जो एटोमिसिटी है, तो आप देख सकते हो कि फॉस्फोरस में कितने एटम हैं, फोर एटम है, तो इट मीन्स यहाँ पर फॉस्फोरस की जो एटोमिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। इसी तरह से मैंने लिख दिया S8 मॉलिक्यूल हो गया, इस मॉलिक्यूल्स में अपने पास सल्फर की जो एटोमिसिटी है वो एटोमिसिटी कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो एटोमिसिटी क्लियर होगी अपने को, कैसे क्या वर्ड मिल जाता है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी का मीनिंग हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में या कोई भी मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर पर्टिकुलर कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी क्या हो जाती है, एटोमिसिटी। ओजोन की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, O3 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम है, 3 एटम मिलकर किसकी फॉर्मेशन करें, ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करें। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल्स की जो एटोमिसिटी है वो कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया, एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया जिसमें वन काइंड ऑफ जो पार्टिकल्स है प्रेजेंट होते हैं और वो पार्टिकल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, एटम के फॉर्म में हो सकते हैं या किस फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास इसी का एक जो पार्ट बनता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को बेसिकली जो एटम है अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने जो बात करते हैं कि आज के टाइम में अलग अलग जो है आपको मिलता है, कोई कहता है 112 एटम को डिस्कवर कर लिया गया है, कोई कहता है 120 या 118 एटम को, 118 आपके पास मैक्सिमम है क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो 118 तक ही चलती है, इससे ज़्यादा जो आज अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें इससे ज़्यादा एटम को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो 118 तक ही पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अपने अरेंज कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा अभी तक अपने पास एटम को डिस्कवर करना पॉसिबल नहीं है। जब इससे ज्यादा एटम डिस्कवर हो जाए इस अपने को जो पीरियोडिक टेबल है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने जो इसको चेंज किया जा रहा है वो कैसे, अपने पास यहाँ पर क्या 118 जो एलिमेंट्स है
मैक्सिमम हो सकते हैं, इनको तीन क्लास में डिवाइड कर दिया गया है अपने पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है वो कौन सी हो जाती है, मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की तीन कैटेगरी होगी हमारे पास, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अपने पीरियोडिक टेबल में 80% क्या प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है, और जो बचा हुआ जो पार्ट है वो किसका आता है, नॉन मेटल्स, और किसका आता है, मेटलॉइड्स का आता है। क्लियर होगी चीज अपने को, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो अपने कहते हैं जो शाइन नेचर शो करते हैं, या अपने कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, बेसिकली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अपने से सिंपल सी डेफिनेशन अभी तक जो 10th क्लास में अपने जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर उसमें अपने सुनी हुई है कि जो सब्सटेंस या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन की फॉर्मेशन करता है उसको अपने क्या बोला जाता है, मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इनमें दोनों की जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उसको किस में रखा जाता है, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सिंपल सा आपने इनको जो क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। फिर अपने पास वहां पर एक्सेप्शन केस भी अपने मिला था, आपने कहा था कि मेटल में शाइन होती है, शाइनिंग नेचर शो करता है, लेकिन कुछ एक नॉन मेटल्स भी शाइनिंग नेचर शो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन में भी शाइन प्रेजेंट होती है, बट आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटलिक कैटेगरी को शो करता है। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की बात करें तो अपने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर आएगा उसके अंदर अपने डिटेल्स में कहा जाएगा। अभी अपने ये कहा है कि जो एलिमेंट्स को बेसिकली तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है, ये अपने लिए यहाँ पर सफिशियंट है। तो अपने पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर आइडिया हो जाता है, अपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल को देखा हुआ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने अपने को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी वो अपने पास कुछ इस टाइप की पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिली थी। ठीक है, और यहां पर आपके पास दो ग्रुप हो गए थे, इसमें अपने पास ये जो स्टार्टिंग जो अपने पास है उसको अपने क्या नाम दिया था, एस ब्लॉक। जो बीच में आपके पास आता है उसको अपने क्या नाम दिया था, डी ब्लॉक नाम दिया था आपने। और लास्ट में जो आता है अपने पास वो क्या आता है, पी ब्लॉक। और जो नीचे अपने पास था वो था एफ ब्लॉक। तो मेरे कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो आपके पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये क्या है, सारे मेटल हैं, सारे सारे क्या है, मेटल्स हैं। इसमें नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स नहीं है। जो आपका पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में आपको इस तरह की एक जो लाइनिंग आपको देखने को मिलती है, इस लाइनिंग को देखते हैं तो अपने कहते हैं इस लाइनिंग से इस तरफ तो अपने पास सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। इस लाइन से इस तरफ क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं। और इस लाइन के ऊपर जैसे यहां पर बोरोन, ठीक है, सिलिकन, आर्सेनिक, ठीक है, जर्मेनियम, इस तरह से अपने को एलिमेंट्स मिलते हैं, उनको अपने क्या कहा जाता है, नॉन मेटलॉइड्स इनको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो वो तो पीरियोडिक टेबल जब अपने डिटेल में करेंगे तो वहां पर उनको डिस्कस करेंगे कि मेटल्स जो मेटलॉइड्स क्या है। ये आपको एक सिंपल सा आपने को बता दिया गया कि पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, उनको अलग अलग अरेंज करती है, ठीक है। तो आपने कहा कि मोर देन 80% हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है। तो ये एलिमेंट्स को आपने क्लासिफाई कर दिया। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास प्योर सब्सटेंस का वो क्या है, कंपाउंड्स। तो अब अपने कंपाउंड्स को देखते हैं कि कंपाउंड एक्चुअल में क्या चीज है। तो अपने यहां पर जो एक्सप्लेन किया गया कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स हमने क्या था, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और सब्सटेंस और एटम। तो अपने पास वहां पर जो अपने बात करते एलिमेंट्स पे कहा था ओनली वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या थे, ओनली वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, बट जो कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स क्या है, मोर देन वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट। तो मैंने वहां पर जो फाइव एग्जांपल लिखे थे प्योर सब्सटेंस के, उसमें से अपने पास जो एग्जांपल बनता है कौन सा, आपने जो एग्जांपल लेते हैं वाटर का एग्जांपल मैंने लिया था, तो वाटर क्या एक कंपाउंड है। मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिया था वो ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था, ग्लूकोज भी आपके पास क्या है, कंपाउंड है। क्यों, इसमें अपने क्या मोर देन वन टाइप, तो मोर देन वन टाइप H2O, ग्लूकोज C6H12O6। तो यहां पर देख सकते हैं कि वाटर में दो टाइप के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ग्लूकोज में थ्री टाइप्स के एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर इसमें देखने वाली जो बात है कि जो कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स में आपको जो इनका जो रेशियो जो देखने को मिलेगा वो रेशियो क्या होगा, इसका डेफिनेट टाइप का रेशियो आपको देखने को मिलेगा, या अपने को एक फिक्स रेशियो इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेट टाइप का आपको इसमें रेशियो देखने को मिलता है। इस डेफिनेट टाइप के रेशियो की वजह से अपने कह देते हैं कि जो कंपाउंड है उनका रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। कैसे डेफिनेट टाइप का रेशियो, मैं इनका बाय मास रेशियो अगर आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, बाय मास अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, तो दो एटम का मास कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है 16, तो ये इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में जो सिंपल रेशियो आता है वो क्या आता है, बाय मास रेशियो क्या आता है 1:8, ठीक है। इसी तरह से अपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CO। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अपने बाय मास अगर देखा जाए कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास कितना है अपने पास 16, तो दो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 32, इसका सिंपल रेशियो कितना जाएगा 6:3:8, आपके पास इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा। तो बाय मास अपने बात करें तो हमने कहा एक डेफिनेट टाइप का इनका रेशियो होता है कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो कंपाउंड अपने पास कैसे बनता है, आपने कहा मोर देन वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसको अपने किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक जो डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंशिएट आप इसको कर सकते हैं या कैसे डिफरेंस होता है, या मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में भी आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या चीज है और कंपाउंड क्या चीज है। सिंपल सी बातें हैं, लेकिन सिंपल सी बातों को जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेगी उससे पहले अपने इनको देखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद में अपने पास इसमें कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक बनता है वो अपने पास बनता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो कंपाउंड्स मेरे पास दो टाइप के हो जाते हैं। फर्स्ट जो कंपाउंड हो जाता है वो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाता है, और सेकंड जो कंपाउंड्स है वो कैसा हो जाता है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में क्या होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, कि जिसमें कार्बन और कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें नेसेसरी कंडीशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो आप कहते हो जी कार्बन और ऑक्सीजन तो है, लेकिन मैंने कहा नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ होने चाहिए। वाटर की बात कर सकते हैं तो वाटर भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है लेकिन दोनों साथ नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ ग्लूकोज की बात करता हूँ C6H12O6, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिखा गया, इतने जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपके पास कैसा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। इस तरह से अपने जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स की दो कैटेगरी आपके पास आ जाती है, इनऑर्गेनिक कैटेगरी और ऑर्गेनिक कैटेगरी। तो नेक्स्ट अपने पास इसका जो पार्ट्स है अपने पास एलिमेंट्स का, वो अपने पास क्या रहता है, मिक्सचर। तो एक्चुअल में मिक्सचर क्या चीज है, अपने कहा मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर क्या चीज है, जो प्योर सब्सटेंस थे उनको टू और मोर देन प्योर सब्सटेंस को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है, मिक्सचर की फॉर्मेशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं शुगर इन वाटर, या आपने कह सकते हैं सॉल्ट इन वाटर, या एयर। तो एयर क्या डिफरेंट टाइप के गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। या आपने टी की बात कर सकते हैं तो टी में क्या चीज़ है अपने पास, तो वो भी क्या है एक टाइप का मिक्सचर है। मिल्क की बात करें तो मिल्क भी आपके पास क्या है, एक मिक्सचर की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये अपने पास जो सारे एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल किसके आ रहे हैं अपने पास, मिक्सचर के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनको जो मिक्स किया जाता है मे बी प्रेजेंट
इन इट एनी रेशियो। जैसे अपने कंपाउंड्स की बात कहा था, तो कंपाउंड्स में क्या कहा था, एक डेफिनेट रेशियो होता है एलिमेंट्स के मिक्स होने का, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स के मिक्स होने का कोई डेफिनेट टाइप का रेशियो नहीं, किसी भी रेशियो में क्या किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर वाटर है, इसमें आप 100 ग्राम शुगर को भी डिजोल्व कर सकते हो, 200 ग्राम शुगर को भी क्या डिजोल्व किया जा सकता है, तो कोई फिक्स रेशियो नहीं है। आपने कहा शुगर सोल्यूशन, तो वहाँ पर आपको रेशियो कोई फिक्स टाइप का देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस मिक्सचर को अपने दो क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो क्लास हमारे पास आती है वो आती है होमोजीनियस क्लास। होमोजीनियस कौन सी होती है, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, जो कंपोनेंट्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने जब शुगर को वाटर में जब डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व होने के बाद में जो शुगर पार्टिकल्स है, वो शुगर पार्टिकल्स आपको वाटर में शो नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो गए। अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसको सेपरेट जो फिजिकल मेथड आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, केमिकल मेथड वो सेपरेट हो सकते हैं, तो आपको वो शो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है या जो एयर है वो कैसा होता है, होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। सेकंड जो आता है वो हेटरोजेनियस मिक्सचर। हेटरोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है, कंपोनेंट्स डिफरेंट। ठीक है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, या आप कह सकते हैं द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कि जो मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं होगी। आप उसको सेपरेट इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब सैंड है, उस सैंड को अगर अपने वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो सैंड वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं, सैंड पार्टिकल्स आप वाटर के अंदर उसको क्या इजिली आप उसको शो कर सकते हो। या आप कह सकते हो डस्ट इन एयर, कि अगर एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, तो डस्ट पार्टिकल्स आपको एयर में इजिली शो होते हैं, वो दिखाई देते हैं। या आप कह सकते हो ऑयल एंड वाटर, कि अगर ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, तो ऑयल और वाटर क्या इजिली एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जो मिक्सचर बनते हैं वो मिक्सचर कैसे होते हैं, हमारे पास हेट्रोजीनियस टाइप के मिक्सचर होते हैं, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो इजिली, उनको क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो, या यूनिफॉर्मली उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो होमोजीनियस टाइप के हो जाएंगे, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो कैसे हो जाएंगे, अपने पास हेट्रोजीनियस टाइप के मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको अगर सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं और कहना चाहूँ यहाँ पर कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इसके अंदर जो एक सिंपल सी वर्डिंग है, तो आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, अगर कोई भी कंपोनेंट्स है, जो मिक्सर का जो कंपोनेंट्स है, उसको आप किसी भी फिजिकली मेथड से अगर आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, आप ये कह सकते हैं इसमें यूजिंग एनी सेपरेटेड बाय यूजिंग एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, अब जो फिजिकल मेथड अपने पास क्या हो सकता है, तो फिजिकल मेथड में अपने पास यहाँ पर ले सकते हैं हैंड पिकिंग की बात कह सकते हैं मैं यहाँ पर, फिजिकल मेथड कौन कौन सा हो सकता है मेरे पास, यहाँ पर कह सकता हूँ हैंड पिकिंग का हो सकता है अपने पास, या अपने पास क्या हो सकता है फिल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन के अलावा अपने पास क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है अपने पास, या अपने पास इसमें क्या हो सकता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड हो सकता है। ठीक है, तो इन फिजिकल मेथड से अगर वो मिक्सचर सेपरेट हो जाता है तो वो कौन सा होता है, हेट्रोजेनियस टाइप का मिक्सचर होता है, और इन फिजिकल मेथड से उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाए तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर होगी चीज अपने को, तो अगर इन फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट कर देंगे तो वो हेट्रोजेनियस टाइप का हो जाएगा, अगर वो सेपरेट फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होता है तो वो कैसा हो जाता है, होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर हो जाता है। क्लियर होगी अपने पास, तो ये अपने पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट होता है।